Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बढ़िया क्लास था। और मतलब ये जो 11 चैप्टर है उस पे आपने मतलब काफी डिटेल से बताया। मतलब कैलकुलेशन था, टेक्निकल था, लेकिन आपने मतलब पढ़ा है करके फिर भी मतलब आपने डिटेल बता के उसको मतलब काफी। और प्रभु जी, मुझे आपका ना ये जो पॉइंट बहुत अच्छा लगा, मतलब आप जो बीच में बोल रहे थे कि मैं शुरुआत में आप जो बोल रहे थे और आपने वो जो बाकी के मतलब महाराज का भी आपने एग्जांपल दिया और महाराज कैसे कह रहे थे, और साइंस जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है अपने ही थियोरी पे, वो कभी ये रहता नहीं है। जिसके साइंस वाले बहुत गर्व से बोलते हैं कि हम लोग ट्रायल एंड एरर पे काम करते हैं, उनको उसके ऊपर बहुत गर्व होता है कि हम लोग कितना बढ़िया है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे वेदों में ट्रायल एंड एरर का सवाल ही नहीं है। व्हाट एवर इज सेड इज फाइनल, उस पर चेंज होने का सवाल नहीं है। प्रभु जी, मेरा एक्चुअली एक सवाल था प्रभु जी कि जो एटम हम लोग बोल रहे हैं, जो स्मॉलेस्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एटम में परमात्मा है प्रभु जी? प्रभु जी आप म्यूट पे हो। प्रभु जी आप म्यूट पे हो। हरे कृष्ण। या थैंक यू प्रभु। या बहुत अच्छा है। और ये ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, ब्रह्म संहिता अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, यानी इस जगदंड में तो है, प्रत्येक परमाणु में, इवन एटम्स में परमात्मा है। सो हिज मेंशन में, इफ समबडी कैन फाइंड एंड गूगल दैट वर्स, यू कैन शेयर दैट ऑन। तो वहां पे वो बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, ही इज इवन इस जगदंड में तो है, अंडांतरस्थम परमाणु चयांतर, परमाणु में भी जो है भगवान विराजमान है वहां पे, इज देयर इन ईच एंड एवरी एटम। ओके okay. तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रभु जी, मतलब उसके ऊपर से पता चलता है कि श्याम रसिक प्रभु जी बोल रहे थे कि फॉर्म जो है वो हम लोग मेंटेन करते हैं बिकॉज ऑफ दैट परमात्मा। तो बिकॉज एटम में परमात्मा है, उसके लिए वो हर एक चीज को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। प्रभु जी, एक थोड़ा सा मतलब डिस्कशन लेवल पे मुझे पूछना था प्रभु जी कि आपने जो बोला कि इलेक्ट्रॉन जो थियरी है, वो इलेक्ट्रॉन थियरी वो गलत है या ऐसे बोल रहे थे क्या प्रभु जी आप? हाँ, यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि जो एटम्स को फर्दर जो डिवाइड किया है, बोलते हैं प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनका इमेजिनरी थियरी है, ये विच दे आर पुटिंग एज समथिंग स्पेकुलेशन, जैसे उन्होंने कहा है, जैसे इवन परम पूज्य स्वरूप दामोदर महाराज जी कहते हैं, दैट मे चेंज, वी डोंट नो। I'm not saying it is wrong, but it is imperfect. हाँ प्रभु जी, imperfect करके हम लोग मान सकते हैं। Sorry प्रभु जी, Yes. We can, हम लोग मान सकते हैं कि ये imperfect है। लेकिन it keeps on changing. प्रभु जी, इसमें imperfect मान सकते हैं, लेकिन अभी देखेंगे ना तो जो भी science में invention हो गए प्रभु जी, जो भी invention आज electricity हो रहा है, वो भी electron के वजह से हो रहा है। वहाँ पे clear cut theory है कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव जाते और मतलब कन्वेंशनली, बट एक्चुअली वो नेगेटिव से पॉजिटिव आते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। आज सेल्स भी है, एनोड और कैथोड जो बनते हैं वो उसी के वजह से होते हैं। आयंस जो है वो एक एक से जगह पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं। तो ये जो थियरी है, मतलब आज जो जो भी इन्वेंशन बना है, वो इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स। और जो बॉन्डिंग जो बोला जाता है मॉलिक्यूल्स में, जो बॉन्डिंग है, दो एटम्स एक साथ बॉन्ड होते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड, और वो बॉन्डिंग जो है वो भी इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही बॉन्डिंग होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को प्रभु जी, एक मैं पॉइंट मतलब यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि वेदों में जो बता गया है कि एटम कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड, वो 100% ट्रू है, क्योंकि अगर एटम को डिवाइड कर भी दिया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो अपने आप में तो जिएंगे ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसा बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है, चलो ये इलेक्ट्रॉन छोटा है, वो नहीं हो सकता है, उसको रहने के लिए एटम में ही रहना पड़ेगा। तो इन दैट सेंस व्हाट वेदास आर सेइंग इज 100% ट्रू। और इन लोग सिर्फ, जैसा आपने बताया ना प्रभु जी, मुझे वो बहुत सही लगा कि डार्विन थियरी, जस्ट बिकॉज
अपने वेदों में एक चीज को दिया है वो झुठलाने के लिए दे आर पुटिंग सम यूजलेस थियरीज हियर, तो उसके लिए उन्होंने एटम्स को ब्रेक करने का बताया, बट इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रू बट दे आर वो बाय इटसेल्फ इसका कुछ यूज ही नहीं है बिकॉज इट इज इन दैट एटम, उसके वजह से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मतलब जो वेदों में बताया वो 100% ट्रू है, और इन्होंने झूठलाने के लिए अपने को ये करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स लाए विच मे बी ट्रू वो है जिसके वजह से पूरा इन्वेंशन हो रहा है, बट वो बाय इटसेल्फ इसका यूज ही नहीं है, वो उस एटम में है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो प्रभु जी जस्ट ये पॉइंट मतलब ये करना था, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, देयर माइट बी इलेक्ट्रॉन्स और उसी के बेसिस पे सारा जो इवन जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो बना है वो सब सारा इसी का देन है, वो महाराज भी स्वरूप दामोदर महाराज भी यही बोलते हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस, बट जैसे व्हाट आई वाज कनेक्टिंग इट स्क्रिप्चर के हिसाब से, जैसे एक रीशेयर एक श्लोक था आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन दैट, मेरे ख्याल से वी आर नॉट सेइंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स नहीं है, बट व्हाट वी आर सेइंग कि इनका जो थियरी है कि वो एटम्स में से आए हैं that is not because it is indivisible, वो नहीं हो सकता, this is what our thinking is, and इसमें जो एक श्लोक था this is what I'm connecting it to it, मैं just share करता हूँ वो एक मिनट का एक स्टार्ट में कहीं पे होंगे, हाँ यह सेकंड ये वाला श्लोक है, सेकंड जो श्लोक है can see that यहाँ पे क्या कहा गया है कि atoms are the ultimate state of मैनिफेस्ट यूनिवर्स, जो यूनिवर्स दिख रहा है उसका अंतिम स्थिति एटम्स है, और यहाँ पे क्या कहें देर आर सर्टनली डिफरेंट बॉडीज इन फिजिकल फॉर्म्स, और भी दूसरे जो है बॉडीज हैं फिजिकल फॉर्म, सो मे बी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वॉट एवर दे आर टॉकिंग ये इसके बारे में कहा गया कि दूसरे, लेकिन एटम जो है वो अल्टीमेट जो है कम्प्लीट मैनिफेस्टेशन है उसका, तो ये हम लोग उससे समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे जो हम एटम की बात कर रहे हैं तो दैट इज इट इज अनडिविजिबल, इससे कोई नहीं हो सकता, इसके अलावा और भी जो डिफरेंट बॉडीज हैं जैसे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जिसके बेसिस पे ये लोग जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है या जो इन्वेंशन हो रहा है इट इज टॉकिंग अबाउट दैट, दिस इज व्हाट आई कनेक्ट। हरे कृष्णा, सो वी डोंट से दैट इज रॉन्ग, नो डाउट कि वो लोग इन्वेंशन कर रहे हैं, बट वो कहते हैं कि जो एटम के अंदर ये तीनों हैं दैट मे बी इम्परफेक्ट, सो मे बी वी डोंट नो फादर व्हाट स्टेटमेंट कम्स। हरे कृष्णा, हाँ प्रभु जी लिखना पड़ेगा, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मतलब ये देखना पड़ेगा आगे चल के साइंस इस पे क्यों क्या चेंज करते हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग वही सीख के आए थे उसके ऊपर, वो वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब बनाया गया है जिसके वजह से पीरियोडिक टेबल बन गया है पूरा केमिस्ट्री में, हम लोग बचपन से वही सीख के आए थे, तो मतलब वो ही है कि एटम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स है जिसके वजह से वो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से, उसके मॉलिक्यूल बनता है, एलिमेंट से बाद में कंपाउंड सब्सटेंस बनता है। ठीक है प्रभु जी, क्योंकि अपना वेद है वो 100% ट्रूथ है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, नो डाउट, बट ओनली थिंग इज हां कि मतलब इसको हम लोग इसके साथ कैसे रिलेट करेंगे वो थोड़ा देखना पड़ेगा प्रभु जी। दिमाग में ये पॉइंट हो सकता है कि अरे एटम्स तो और भी मॉलिक्यूल्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, तो इज व्हाई इट इज लाइक दैट, तो आई पर्पसली डिग आउट दिस थिंग इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड प्रेजेंटेड ओवर हियर। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, क्योंकि मतलब दूसरा भी है कि एटम्स में अगर भी इलेक्ट्रॉन हो भी गया तो भी वो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली खुद का कोई वैल्यू है ही नहीं है प्रभु जी, वो बिकॉज वो एटम में है, बिकॉज उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस में बंद है, उसके ऑर्बिट पे वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो बिकॉज वो एटम में अच्छी तरह से है उसके लिए उनका वैल्यू है, वो अगर इलेक्ट्रॉन एटम से निकल गया और तो फिर उसका कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ है ही नहीं है, तो मतलब हाँ तो मतलब व्हाट यहाँ पे वेदों में कहा है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है वो दैट इज ट्रू प्रभु जी। या बट आई विल गो विद द भागवतम क्योंकि इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, इट इज अनडिविजिबल। अच्छा, सो हो सकता है दिस इज समथिंग डिफरेंट,
हो सकता है, वी डोंट नो, इट्स स्टिल वी नीड टू, मतलब कोई जैसे महाराज है या रामदेव प्रभु जी है, वी कैन चेक विद हिम, ही इज अ साइंस, ही इज अ साइंटिस्ट, सो उनसे कुछ हम लोग ऐसा कुछ पूछे तो वी कैन ट्राई टू गेट सम इंफॉर्मेशन, बिकॉज ये और डीप है. मैं पर्पसली जस्ट साइंस को इसके लिए कनेक्ट किया बिकॉज स्कूल में हम लोग को ये पढ़ाया जाता है कि एटम्स है, एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं, एंड वी हैव दैट इंफॉर्मेशन, तो ये जो हमारा डाउट है वो निकल जाना चाहिए. दैट्स व्हाई आई कनेक्टेड दिस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. ये एक्चुअली पॉइंट हम लोग पूछ सकते जैसे आपने बताया ना, और थोड़ा सा और डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए, सिर्फ इट इज जस्ट दैट क्लैरिटी आ जाएगी और कुछ नहीं है. हरे कृष्ण. थैंक यू. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रणाम प्रभु जी. बहुत ही आज का क्लास बहुत शानदार था, क्योंकि बहुत ही आपने, पहले तो थैंक यू प्रभु जी कि आपने एक इनिशिएटिव लिया हम सबके लिए. थोड़ा सा ये जो टेक्निकल इतने दिन से हम समझने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने ये इनिशिएटिव लिया कि आप इसको, भले ही थोड़ा ये ऐसे आज भी इसे टेक्निकल, क्योंकि साइंस की चीजें हमेशा ऐसी ही होती हैं, पर फिर भी आपने ब्रेक डाउन हमारे लिए किया इसको. प्रभु जी मेरा यही था कि जैसे दो तीन क्वेश्चन थे. एक पहला यही जो एटम के देश इतनी देर से डिस्कशन चल रहा था, कि मुझे भी यही पूछना था कि प्रभु जी ये जो अपने, मैंने अगर जितना मुझे ध्यान से मैंने सुना, जो आपने पढ़ा भी था इसमें, जो आपने फर्स्ट लाइन भी 3.11.1 फर्स्ट लाइन भी वही लिखी थी, कि जो अब ये कह रहे हैं, जैसे मैंने जहाँ तक अगर ध्यान से सुना, आपने कहा था कि ये लोग कह रहे हैं, यानी कि ये जो साइंटिस्ट है, कि एटम्स, जैसे हमने भी इसमें पढ़ रहे हैं भागवतम में लिखा है कि अल्टीमेट वही है मैनिफेस्टेशन, लेकिन ये आपने जैसे पढ़ा कि ये साइंस के लोग कहते हैं कि दिस मे बी के आगे के इसमें और भी ब्रेक डाउन है. प्रभु जी क्या मैं सही समझ रही हूँ इसको, कि ये बोल रहे हैं इसके लिए कि इसको और भी डिवाइड किया जा सकता है प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में, बट दे आर, फॉर दैट दे आर सेइंग कि वो मे बी ऐसा है क्या, तो हम क्या प्रभु जी इनके, इन पर डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम पहले हमको स्कूल में ये पढ़ाया कि 7 प्लैनेट होते हैं, अब उसको भी खारिज करके आगे बोल रहे हैं कि नहीं 9 है, तो इन पे तो हम विश्वास कर ही नहीं सकते, हम तो अपने वेदों के हिसाब से चलेंगे ना. तो मैं ऐसे सोचा प्रभु जी, क्या जैसे आपने पढ़ा कि ये मे बी बोल रहे हैं, तो क्या हम इन पर डिपेंड कर सकते हैं प्रभु जी? नहीं, मे बी है तो डिपेंड नहीं कर सकते हम लोग. वी कैन नॉट से दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, नहीं बोल सकते, क्योंकि इनका जस्ट अभी तक ये स्पेकुलेशन है, ऐसा हो सकता है. जैसे एटम का भी जो है ये कुछ, उसमें मैं गया नहीं, 10 नैनोमीटर उसका जो है डायमीटर बताते हैं, विच इज हार्डली, मतलब विजिबल करते हैं. तो आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस, जैसे मैंने पढ़ा उसका जो डेफिनेशन है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, It is beyond imagination. हम लोग नहीं कर सकते, but they are forming an hypothetical model. एक काल्पनिक, मतलब हाँ ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है. It is on basis of speculation. So अगर speculation है तो we cannot say 100% that is truth, because it is speculation. जैसे शास्त्र कहते हैं नहीं ये परम सत्य है, तो कैसे हम उसको मानते हैं? वैसे speculation, oh maybe मैं वहां पे शायद गया था, ऐसे नहीं. स्पेकुलेशन कैन नॉट बी टेकन एज ट्रुथ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. तो प्रभु जी, एंड प्रभु जी एक और ये क्वेश्चन था कि जो ये आपने बताया था कि एक कैरेक्टर होते हैं ना, जो आपने पढ़ा था उसमें कि आगे का देख सकते हैं और आगे क्या होने वाला है, उनको पहले का भी बताया. प्रभु जी आपने उनका एक नाम बताया था, क्या वो मुझे एक्चुअली अच्छे से समझ सुना ही नहीं पड़ा, क्या प्रभु जी आप बता सकते हैं वो क्या, उनका क्या, उनको क्या बोला जाता है जो आगे का पहले का देख सकते हैं? त्रिकाल लग गया, जो त्रिकाल देख सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उनको त्रिकाल लग गया. हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है? अब ठीक है. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी, आपने अच्छे से समराइज किया. प्रभु जी एक जिज्ञासा ये थी कि जैसे हम लोग ने पूरे थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग ने काल और टाइम पे स्ट्रेच किया, तो ये समझना था प्रभु जी कि जैसे हम लोग ने काल का देखा कि वो भगवान का ही एक अभिन्न हिस्सा है, इम्पार्शियल पार्ट ऑफ गॉड हेड,
बट मुझे ये समझना था कि जैसे भगवान कृष्ण भी आए, भगवान राम भी आए, तो जब वो इस भूतल पे आते हैं दिव्य बॉडी लेके और अपनी लीलाएं करते हैं, और फिर बाद में उनका लीला खत्म होने के बाद वो फिर इस भूतल से चले जाते हैं, तो प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि उनपे भी काल का जो ये चक्र है वो चलता है, उनपे भी काल का जो हावी है वो हो जाता है कि कैसा, जैसे हम लोग पे होता है? नहीं, वैसे नहीं होता। इसको एक सिंपल उदाहरण से समझते, जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे एक जेल है, जेल में सारे कैदी हैं। अब जहाँ वहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जब जाएगा तो क्या वो उसके ऊपर वो कानून लागू होंगे जो कैदियों पे होते हैं? जी नहीं प्रभु, नहीं। तो ये जब हम लोग भौतिक जगत में देख सकते हैं, एक सिंपल हमारे के उदाहरण जो हमारे बनाए हुए लॉ है उसमें नहीं होता, तो फिर ये तो भगवान का है, वो आते हैं। और दूसरा चीज करेक्शन ये था कि वो दिव्य बॉडी लेके नहीं आते, एज इट इज आते हैं। जैसे अगर हम भगवद गीता भी देखें तो भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं कि मैं अपने रूप में आता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ और रूप है वहां पे, फिर वो कृष्ण का रूप लेते हैं फिर आते हैं, ऐसा नहीं है। जो रूप है वैसे ही आता है। वैसे भगवान राम जो है वो भी उनका अपने स्वरूप में वो साकेत धाम में रहते हैं, जब वो आना आता है तो वो फिर आते हैं। ये सारे जो अवतार हैं इनका एटर्नल फॉर्म है, ये रूप लेते नहीं है, ये इनका एटर्नल फॉर्म्स है, चाहे चाहे वराह भगवान कहो या मत्स्य अवतार कहो या नरसिंह अवतार भगवान राम चंद्र ये, और इन सब का जो स्तोत्र है वो भगवान कृष्ण है, उनके माध्यम से ये सारे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ जैसे ड्रामा में होता है, वो कुछ मेकअप वेकअप करके कुछ कपड़े पहन लेता है फिर आता है फिर ड्रामा करता है फिर चले जाता, नहीं, दैट इज हिज एटर्नल फॉर्म। भगवान कृष्ण हम जैसे भगवद गीता में जैसे प्रभुपाद जी ने हमको उनका वर्णन किया वैसे ही रूप में वो गोलोक में है, भगवान रामचंद्र जैसे शास्त्रों में उसी रूप में वो अपने धाम में, जैसे नरसिंह देव जैसे शास्त्रों में उसी रूप में वो अपने धाम में है। तो हर किसी का अपना ना, बस वो आते हैं अपना लीला करते हैं, पास टाइम्स करते हैं। और जैसे चौथे अध्याय में भी हमने देखा था, मधुसूदन प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो सारा क्या बोलता था वो फॉर्म्स हैं, देयर एटर्नल फॉर्म्स, एंड वो अपने स्वरूप में आते हैं और वो फिर चले जाते हैं। पॉइंट मुझे याद आया था, फॉरगेट दैट। तो ये सारा जो है ये सब एटर्नल फॉर्म्स है वो, और ऐसा नहीं है कि वो कुछ रूप लेते हैं फॉर सम टाइम, दे आर इन देयर एटर्नल फॉर्म्स। तो एक लेक्चर देख रहा था मैं प्रभु जी, तो वो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे ह्यूमंस के लिए नॉर्मली हम लोग इस भूतल पे आते हैं, अपने मटेरियल लाइफ को भोगते हैं और फिर हमारा अंत हो जाता है, हम पांच चीजों से बने और पांच चीज में मिलके खत्म। तो ऐसे जो भगवान का जो फॉर्म है, जो भगवान अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही आते हैं, तो फिर वो उनको भी अपनी पास टाइम और अपनी लीलाएं कर खत्म करके जाना पड़ता है या फिर वो जाते हैं। तो उनका वो कह रहे थे कि काल उनके ऊपर भी मतलब अपना प्रकोप दिखाता है नहीं, इस मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद, तो ये इसको कैसे समझेंगे प्रभु जी? कौन से डिवोटी का लेक्चर था वो, कुछ बता सकते हो रेफरेंस उसका? इसकोन का ही देखा था, एक क्वेश्चन टाइप था ये प्रभु जी, एक्चुअली ये क्वेश्चन टाइप था, कोई जूनियर डिवोटी थे इसकोन के। नहीं नहीं, कब भगवान के ऊपर प्रभाव कैसे कर सकता है काम? अभी जैसे मेरी कोई शक्ति है तो वो मुझ पे ही कैसा प्रभाव करेगी? करेक्ट प्रभु जी, वो एक्चुअली मे बी मेरी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मैंने मिसअंडरस्टूड किया रहेगा, तो मुझे वो जस्ट क्लियर करना था प्रभु जी की। गुड, अच्छा, डाउट आए तो क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे भगवान का शक्ति है तो भगवान पे वो कैसे, वो जैसे हम लोग अभी नॉर्मल जेल का ही उदाहरण देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जब आता है, प्रेसिडेंट जब आता है, उसके ऊपर लागू नहीं होता, तो फिर भगवान का तो दिव्य है लीला है।
फिर इवन हम देखे हैं, मैं इसके लिए वो डाउट क्लियर किया कि जब भगवान आते हैं तो ऐसा नहीं वो आते हैं कुछ शरीर लेते हैं फिर लीला खत्म हो गया, शरीर छोड़ दिया वहां पे और वो चले गए, नहीं ऐसा नहीं होता। अपने शरीर में आते हैं, लीला करते हैं और चले जाते हैं, और उनको आने की जरूरत नहीं है। चौथे अध्याय में भी देखेंगे उनको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आते हैं तो क्यों आते हैं, अपने भक्तों को ये क्या बोलते हैं उनके साथ इंटरेक्शन के लिए आते हैं, भक्तों के साथ उनका इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर जैसे हिरण्यकश्यप को मारना है तो मारने के लिए उनको आने की जरूरत नहीं है, जस्ट इमेजिन कर ले भाई इसको खत्म करना है, जस्ट एक डिजायर कर ले तुरंत वो वहीं पे मर जाएगा। लेकिन भक्तों का उद्धार करने के लिए वो मेन जो है उनका इंटरेक्शन के लिए आते हैं, और वो जब आते हैं तो अपने शरीर के साथ आते हैं, शरीर के साथ चले जाते हैं। जैसे हम देखें इवन तुकाराम महाराज जो थे वो अपने सदेह वैकुंठ धाम में गए, तो जब तुकाराम महाराज जी एक संत थे तो वो जब अपने सदेह भगवान के पास जा सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं जा सकते, तो अपने शरीर से आते हैं अपने शरीर में चले जाते हैं। जैसे ऐसा समझ सकते हैं कोई जज है या इंस्पेक्टर है, वो अपने ड्रेस में आता है, यहाँ पे जज जो है वो अपना कपड़े में यूनिफॉर्म जो भी होता है वो वहाँ पे काम करता है, सब सारा देता है और फिर चले जाता है। तो ऐसा नहीं है जज है तो वो कुछ, मैं एक भौतिक उदाहरण दे रहा हूँ, तो वो उसका हमेशा उसी भी रूप में रहता है, वो आता है वहाँ पे, ऐसा नहीं वो कोट बुट छोड़ के फिर वो भाई मैं जज का काम खत्म हो गया अब मैं जा रहा हूँ तो उसने कुछ शॉर्ट बनियान पहन लिया, नहीं जैसे वैसे आता है वैसे चला जाता है। तो ये बहुत से लोगों को एक गलत धारणा है कि भगवान यहाँ पे आते हैं कुछ रूप धारण करते हैं, वो कुछ शरीर लेते हैं वहां पे और फिर वो शरीर को वहां पे छोड़ के चले जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं है, वो अपने फॉर्म में आते हैं और उसी फॉर्म के साथ वापस चले। हम देखेंगे आगे भी जब जाएंगे 11वें स्कंद में भगवान अपने शरीर के साथ अपने जो 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 जरा नाम का जो था भील था जिसने मारा था उसका पहले उद्धार किया, सबसे पहले उसको भेजा भाई तू जा, फिर उद्धव जी को बिठा के पूरा प्रवचन दिया तुमको ये करना है ये करना है, उनको 11वें स्कंद में उनका वर्णन है पूरा, उनको इंस्ट्रक्शन दिया। और ऐसा नहीं था वो तीर लगा तो तड़प रहे ऐसा कुछ नहीं था, तीर लगा वो बस वो उनका वो पास टाइम था, इतने महाभारत में इतने तीर लगे उनको कुछ हुआ नहीं, वो एक छोटा सा तीर कहीं पे उनके पैर के अंगूठे में लग गया उससे क्या हो सकता क्या होगा। नॉर्मली प्रभु जी कंफ्यूजन जी, प्रभु जी कंफ्यूजन इसके वजह से हुआ था कि लाइक अभी मैं मैंने यहाँ पे मेरा बॉर्न हुआ मैंने भोगा और फिर डिपार्चर कर गया, Yes. तो भगवान भी आए, भगवान ने पूरी लीलाएं की और फिर बाद में उनको टो पे लगा और फिर वो अपनी दिव्य बॉडी के साथ चले गए, तो वही कंफ्यूजन होता है। नहीं यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों होता है कि हम लोग हमारी तरह समझते हैं, हमको देह लेना पड़ता है, हम लोग आत्मा है, हम लोग को एक देह लेना पड़ता है, हम उसमें काम करते हैं फिर वो देह वहां पे छोड़ के फिर आत्मा चले जाता है। भगवान का ऐसा नहीं, भगवान का शरीर ही आत्मा है, ऐसा नहीं उसमें फर्क नहीं है देह और आत्मा, ऐसा हमारे में फर्क है वैसे उनमें फर्क नहीं, भगवान ही इज आत्मा मतलब जैसे मेरे पे काल का कंट्रोल है वैसे उनपे भी, यस तो इसलिए कंफ्यूजन हुआ प्रभु जी। हाँ वो मतलब जो है ऐसा लगता है भगवान भी कभी कभी ऐसी लीलाएं करते हैं कि जैसे भगवान रामचंद्र दुखी हो रहे हैं रो रहे हैं एकदम हे सीते तुम कहाँ हो, तो ये उनका लीला है ये, और वो हम लोग को शास्त्रों से ही समझता है कि पार्वती बोलती है कि ये कैसा भगवान है देख तुम किस मतलब वो पूछते हैं किसका ध्यान कर रहे हो, मतलब मैं अपने स्वामी का ध्यान कर रहा हूँ, मतलब तो बोलते हैं ये कैसा भगवान है कि ये तो रो रहा है अपनी पत्नी के लिए, ये मतलब वो अपने पत्नी को बचा नहीं पाए ये रो रहा है तो ऐसे कैसे भगवान हो सकता है, तो बोलते हैं नहीं नहीं यही भगवान है उनका लीला है तुम इसमें मत पढ़ो, तो वो बोलते ठीक है करके और फिर भगवान अपना फिर शिवजी अपना तपस्या में चले जाते, लेकिन इसको फिर भी डाउट जाता नहीं, बोलते नहीं ये भगवान कैसे हो सकता है,
फिर वो नीचे आती है एकदम सीता का रूप लेके, और भगवान रामचंद्र के जहां से जा रहे होते हैं वहां से रास्ते में खड़े हो जाती है। तो भगवान विदा कर रहे हैं, हे सीते हे सीते, जैसे उसको देखते हैं, अरे पार्वती आप यहाँ क्या कर रही है, शिवजी नहीं आए साथ में? तो उसको बड़ा कंफ्यूज, अरे मतलब खुद को देख के, अरे मैं तो सीता के रूप में हूँ, कहाँ से लग रही हूँ, मतलब कैसे देख रहे हैं बोलते। लेकिन वो भगवान है। फिर वो इस बात से समझ जाते कि ये कोई साधारण, जैसे मैं सोच रही थी नहीं, ये उनका लीला है। और फिर वापस शिव जी के पास, फिर शिव जी पूछते हैं, बोलते कहाँ गई थी, बोलते ऐसे ऐसे किया। और फिर उसके बाद ऐसा है कि वो बोलते कि अब तुमने सीता का रूप लिया, यानी तुमने मेरे माता का रूप लिया, अब मैं तुमको पत्नी नहीं स्वीकार कर सकता, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, छोड़ देते हैं उसको। तो ये सब जो है ये भगवान की लीलाएं हैं, और इससे जो है कंफ्यूज नहीं होना है। भगवान के शास्त्र जो है, शब्दों को, वेदों को, भागवतम को, भगवद्गीता को हम शास्त्रों के माध्यम से समझे तो हम लोग को ये एक लीला लगेगा भक्त, जैसे अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं ना कि ये असुर मोहन लीला होता है, असुर भी मोहन लीला। तो जो असुर लोग हैं वो और दूर हो जाते हैं, देखा तुम्हारा भगवान ऐसा, अरे वो देखो कृष्ण देखो, उसको तीर लग गया, वो तो वहां पे मर गया, मतलब ऐसे बोल, ऐसे गंदी बात करते हैं कि उनको खून खोल जाता है वो। तो ये असुर लोग हैं, ये और दूर हो जाते हैं, बट भगवान का भक्त वो जानता है। जब तुकाराम महाराज जी जब अपने सदेह चले गए तो फिर बाद में भगवान को, जो जिसने पूरा सृष्टि बनाया उसको क्या दिक्कत हो सकती है, जो प्रेसिडेंट है उसने सारा रूल बनाया, उसी को उसको फॉर्म साइन करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे जाओ कपड़े चेंज करो, ये यूनिफॉर्म पहनो, नहीं उसके लिए कोई नहीं, वो मन करता है मुझे जेल में कैदियों को देखना, तुरंत सब कुछ भी प्रोग्राम सब हटा के पहले वो सिक्योरिटी डाल के पहले उनको ले जाते हैं, वो देखते हैं सब ठीक है, उनका भले और दो घंटा बचा हो, वो बोलते मेरे को अभी निकलना है यहाँ से, बस चलो ठीक है, तुरंत वहां से निकल जाता है। ऐसा नहीं भाई आपका तो चार घंटे का टाइम था यहाँ पे, आपको रुकना पड़ेगा, नहीं उनका अपना मर्जी है, वो आते हैं जब इच्छा किया आए, जब इच्छा किया चले गए, वैसे भगवान का लीला है। व्हेनेवर ही वांट्स ही विल कम, व्हेनेवर ही वांट्स टू गो ही गोस। इसके लिए बोलते ना जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान बोलते हैं चौथे अध्याय, ये समझ जाएगा हमारा उद्धार होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। यस सनातन प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने इतना डिटेल में बताया, मतलब सवाल आने का ही सवाल ये ना, मस्त बताया। एक जस्ट एक पॉइंट ऐड कर रहा था कि मतलब कृष्ण जो थे वो अपने चिर तरुण लाइफ में थे, 114 साल तक उनका शरीर बदला ही नहीं था, मतलब वो वैसे के वैसे ही थे, टीन जो बोलते प्रभुपाद बोलते कि टीन्स में थे एंड तक, तो वहीं पे पता चलता है कि काल का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं। और फिर वो शरीर से उन्होंने इतने ऐसे ऐसे दिव्य लीला की जो नॉर्मल कोई शरीर कर ही नहीं सकते है, गोवर्धन को उठाना, खुद को एक्सपांड करना इतने मल्टीपल गोपियों के साथ, ये सब नॉर्मल शरीर से हो ही नहीं सकता है। जस्ट यही पॉइंट ऐड करना था। हरे कृष्णा। करेक्ट करेक्ट। या कोई इवन जो 16108 में अपने आप को वो मैनिफेस्ट करते हैं, नारद मुनि जी खुद परेशान हो जाते हैं कि मतलब एक कैसे 16000 पटरानी के साथ कैसे रहते हैं, तो वो देखने के लिए आते हैं। तो देखते हैं कृष्णा आते हैं, और जैसे ही वो एंटर करते हैं उस वहाँ पे उस एरिया में, वो एक कृष्ण 16108 हो जाते हैं, और फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये क्या है। फिर वो देखते हैं एक महल में, वो तो स्पेसमैन है ना, वो जब वो एक महल में जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे भगवान बच्चों के साथ चेस कर रहे हैं, और या पत्नी के साथ चेस कर रहे हैं, एक के साथ बच्चों के साथ कुछ खेल रहे हैं, एक के साथ कहीं पे कुछ, कहीं पे प्रसाद पा रहे हैं, कहीं पे कुछ, तो ये समझ गया ये मतलब भगवान जो है ये उनको समझ पाना मुश्किल है। हरे कृष्णा। या थैंक यू सनातन प्रभु, थैंक यू अमित प्रभु। जया यस प्रभु जी, लास्ट पॉइंट यही था बोलना था कि जैसे अभी काल की बात हो रही थी, सनातन प्रभु जी ने भी और अमित प्रभु जी, मतलब जैसे ये क्वेश्चन रेज हुआ ना कि हम पे लागू होता है काल का ये, लेकिन भगवान पे क्यों नहीं होता, क्योंकि आई थिंक प्रभु जी ये हम लोग को गीता में भी, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं अगर, तो भगवान कहते हैं ना कि काल भी मैं हूँ, तो जिसने खुद काल बनाया है काल उस पे प्रभाव मीन्स कैसे करेगा, ऐसे हम भी समझ सकते हैं ना प्रभु जी। करेक्ट करेक्ट। और दूसरा ये भी देखते हैं जैसे हमारे शरीर पे काल का प्रभाव होता है, जैसे हम लोग बच्चे होते हैं तो शरीर अलग होता है, फिर जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमका प्रभाव बढ़ता जाता है, बाल गिरने लगते हैं, आँख कमजोर, शरीर कमजोर, दांत गिरना शुरू,
ये ऐसे भगवान के साथ नहीं होता, भगवान एज इट इज हमेशा, जैसे वो जो उनका जो शरीर है एकदम टीन्स में, जैसे शास्त्र में कहा गया एकदम यूथ यूथ फॉर्म में रहते हैं, भले उनका आयु उस समय कितना भी रहा हो, 100 से ज्यादा था उनका, लेकिन वो ऐसे लगते थे एकदम यंग, कोई एकदम कोई कुमार अवस्था में है, तो उनके ऊपर इसी से समझ जाते कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था, इज ऑलवेज यूथफुल। ब्रह्मा जी बोलते ना नव यौवनम च, हमेशा नव यौवन रूप में रहते हैं वो, उनका आयु कभी नहीं बढ़ता उनका, सो ही विल बी ऑलवेज लाइक दैट। और सबसे पुराने हैं वो, इज फ्रॉम क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ, जो है ऐसे हमारे जो जगदंड है खत्म हो गए, वो तब से कब पता नहीं, हमें गिन नहीं सकते, अनंत काल से वैसे थे, वैसे अभी भी हम दिख रहे हैं और ऐसे ही रहे। हरे कृष्ण। नॉर्मली मैं विश्वंभर प्रभु जी को ये सेवा देता हूँ, लेकिन ये बार देखा कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत टेक्निकल है, तो और मैं चाहता था कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाऊँ, लेकिन उतना नहीं हो पाया, और कुछ भक्तों का उनको बोल भी रहे थे कि प्रभु समझ में नहीं आ रहा समझ में तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और इसको साइंस के माध्यम से समझते हैं, क्या इसी में क्या। हरे कृष्णा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो ये सारा मेरे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद, हमारे जितने आचार्य भक्तों से जो मैंने सुना है वो मैंने आपको बताया, नहीं पसंद आया तो ये सब मेरा त्रुटि है, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी। हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।